हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। कुछ बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट और परमानेंट पौधे आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो पहला जो प्लांट है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही खूबसूरत होने के साथ परमानेंट पौधे भी हैं, और पहला पौधा जो है ये है चाइना फैन पाम, जिसे टेबल फैन पाम भी कहा जाता है। ये जो पौधे होते हैं ये सीड से ग्रो किए जाते हैं, यानी कि बीज से इनको तैयार किया जाता है। वैसे तो इनको इंडोर प्लांट्स की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन ये अगर आउटडोर आप लगाते हैं ऐसी जगह में जहाँ पे 2-3 घंटे की हल्की धूप इन पौधों को मिलती है, तो वहाँ पे इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वैसे आप इनको इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इंडोर रखने से क्या होता है फ्रेंड्स कि धूप अगर नहीं मिलता है इनको सही मात्रा में, तो इसकी पत्तियों के पीछे स्पाइडर माइट्स लगना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे जाले बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि प्लांट को पूरी तरह से धीरे धीरे ख़राब कर देता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अगर इंडोर घर के अंदर भी रखा हो प्लांट को, तो सुबह की हल्की धूप 2-3 घंटे की ज़रूर दिखा दिया करें, वीक में कम से कम 1 से 2 बार, तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होती रहती है। और खाद की बात करूँ तो हर महीने आप इनमें थोड़ा थोड़ा खाद, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल सकते हैं, जिससे इनकी ग्रोथ भी साथ में अच्छी तरह से होती रहेगी। पहला जो प्लांट था फ्रेंड्स था चाइना फैम। दूसरा जो प्लांट है, जो कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स भी होते हैं, हवा को साफ करने वाले पौधे, और ये जो पौधा है फ्रेंड्स ये है फिडल लिफ फिक का प्लांट। ये भी एक इंडोर प्लांट है, लेकिन इसको ऐसी जगह में घर में रखें जहाँ पे इसे सुबह की हल्की धूप भी मिल जाया करे 1-2 घंटे की, तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं बहुत खूबसूरत निकलती हैं, और पानी का शावर इसके ऊपर करते रहें तो ये जो प्लांट से बहुत खुश रहते हैं। अब बात करें इसकी प्रोपगेशन की, कि आप एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स कैसे तैयार कर सकते हैं, तो इसको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट की खास बात यह है कि इसकी पत्तियां चारों तरफ से बराबर बराबर निकलती हैं, जो कि बहुत खूबसूरत देखने में लगती हैं। जहाँ पे सनलाइट मिले इन पौधों को, वहाँ पे अगर आप रखते हैं तो इस प्लांट को हर 4 से 5 दिन में रोटेट करते रहें, प्लांट के गमले को घुमाते रहें। जिधर इसकी पत्तियाँ कम निकल रही है उस तरफ, जिधर धूप आ रही हो उस तरफ उसका फेस कर दें गमले का, ताकि उधर से भी पत्तियाँ बराबर बराबर निकल सके। एक ही तरफ धूप मिलने की वजह से ये जो प्लांट्स होते हैं, इसकी जिधर धूप मिलती है उधर अच्छे तरीके से इसमें पत्तियां निकलती हैं, और जिधर धूप की कमी होती है उधर पत्तियां नहीं निकलती हैं। इसलिए प्लांट को रोटेट करते रहें। खाद की बात करूं फ्रेंड्स, तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप इसमें वैसे तो हर महीने डाल सकते हैं, जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी होती रहती है। और अगर आप चाहें तो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है NPK, जो कि पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है ऑनलाइन या किसी प्लांट नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाता है, तो वो 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिला के आप हर 15 से 20 दिन में इसमें डाला करें, तो इससे प्लांट्स जो है बहुत खूबसूरत बने रहेंगे। इसको आप किसी भी तरह के खूबसूरत प्लांटर पॉट में लगा कर रख सकते हैं, तो ये बहुत प्यारे लगेंगे। इसकी पत्तियाँ इस तरीके से निकलती है, ये देखिए फ्रेंड्स, जो कि बहुत सुंदर लगती हैं। तीसरा जो प्लांट है वो है फ्रेंड्स ड्वार्फ अरेका पाम। अरेका पाम के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे, ये एक ऐसा पौधा है, कॉमन पौधा है, जो आपको ऑलमोस्ट हर जगह में मिल जाता है, चाहे आप स्कूल्स में जाएं, किसी ऑफिस में जाएं, या किसी भी जगह में आप जाते हैं फ्रेंड्स, बड़े सेमिनार्स में जाएं, कहीं भी जाते हैं तो आपको ये जो प्लांट है देखने के लिए मिलता ही है। ये पौधे बड़े बड़े साइज़ में होते हैं वहाँ पर रखे हुए। इसकी वैसे वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं, अगर घर में रखना हो आपको तो आप छोटे साइज़ की वैरायटीज़ वाले प्लांट्स भी ला सकते हैं। ये ड्वार्फ वैरायटीज़ है और इसकी हाइट इतनी ही रहती है, ये ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप सेरेमिक पॉट्स में भी इनको लगा कर रख सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लुक देता है। और ये बहुत अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स भी होते हैं, जो कि हवा को शुद्ध भी बनाते हैं। तो अगर आप पौधों को घर में रखते हैं तो फ्रेंड्स गर्मियों में पौधों को घर के अंदर रखना बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और घर में ठंडक बहुत महसूस होती है अगर आप पौधों को लगा कर रखें तो। जिनके घर में पौधे नहीं होते हैं उनके घर में आप
फील करेंगे अगर जाएंगे तो फ्रेंड नोटिस कीजिएगा कि जहाँ पे प्लांट्स होते हैं वहाँ पे आपको थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है, लेकिन जहाँ पे प्लांट्स आप नहीं रखते हैं उनके घर में वहाँ पे जो है घर का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा गर्म फील होता है। तो इसीलिए पौधे ज़रूर लगाएं, ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाता है और घर को भी गर्मियों में ठंडा बनाए रखता है। और इसकी जो प्रोपेगेशन होती है फ्रेंड्स इस तरह से, ये जो आप प्लांट्स लगाएं तो ये आपस में ही मल्टीप्लाई होते रहते हैं और वैसे इनको सीड से ग्रो किया जाता है। और इस तरह से इसकी जो पत्तियां हैं, ये जो पत्ते पतले आप लोगों को स्टेम्स दिख रहे हैं इसके, ये बहुत सारे बन जाएं तो आप इसमें चाहें तो पूरे प्लांट को पॉट से बाहर निकालने के बाद और फिर उसको अलग से आप डिवाइड करके दूसरे प्लांट पॉट में लगा सकते हैं, जिससे कि आपके और भी प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा जो प्लांट है फ्रेंड्स, जो कि इंडोर प्लांट है और बहुत अच्छे एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स भी होते हैं, वो है रबर प्लांट, जिसे फाइकस इलास्टिका भी बोलते हैं। और इसको भी मैंने एक बहुत खूबसूरत पॉट में लगाया हुआ है फ्रेंड्स, ये देखिए क्ले पॉट में इस तरह के पिगी बना हुआ है और इसमें ग्रोथ इसकी कितनी अच्छी हो रही है। इसको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं रबर प्लांट को। इंडोर अगर रखा हो तो ऐसी जगह में रखें जहाँ इसे ब्राइट लाइट मिलती हो, अच्छी रोशनी मिले, तो इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन अगर आप हमेशा के लिए इसको लंबे वक्त तक घर के अंदर रखते हैं तो इसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाती है, पत्तियाँ बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी। लेकिन अगर आप इसको वीक में कम से कम 2-3 घंटे की सुबह की धूप दिखा दिया करें तो इसकी जो ग्रोथ है बहुत फास्ट हो जाती है और इस तरह से इसकी नई पत्तियाँ निकलती हैं। तो धूप मिलना प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है और इसको आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है और बहुत अच्छे एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स भी होते हैं। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।